मैंने विंडो में का देखो, विंडो में लचकती देखी है। जब मैंने रोल मचाया किवाड़ तोड़वाई दो बच्चे ने, दो बच्चे ने किवाड़ तोड़ कर जब मैंने बच्चा उठाया वहाँ, नहीं कोई गाड़ी मांगी नहीं कुछ भी। और अभी 28 तारीख में इतना अच्छा जन्मदिन कराया उन्होंने अपने पोते का, कोई कसूर नहीं है। तीनों बाप बेटा सवेरे ही काम पे चले गए और सास चली गई अपने शादी में। खबर तहकीकात पर बड़ी प्रमुखता के साथ पिछले 16 तारीख को, 16 फरवरी को एक खबर चलाई गई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक बच्ची को उसको पहले मारा गया है, पीटा गया है, फिर उसके बाद उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है। तमाम परिजन जो थे उस वक्त लड़के के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि दहेज की वजह से हमारी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया है। उस वक्त हमने बच्ची के, लड़की के घर वालों से बात की थी, लेकिन आज SSP ऑफिस बुलंदशहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम परिजन लड़के के आए हुए हैं। आखिर क्या मैटर है, किस मुद्दों को लेकर, किस बात को लेकर यहाँ पर आए, बात को समझने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है भाई आपका? कलवा सिंह जी। कलवा सिंह, कलवा सिंह जी, अभी दो तीन दिन पहले आप एक घटना होती है जिसमें ये बताया गया है कि एक बच्ची को जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आपके लड़के जो, आपके जो, आप कौन लगते हैं लड़के के? पहले चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं, जो आपका भतीजा है उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे। क्या कहना चाहते हैं, क्यों आए आज यहाँ पर SSP? हम आए जी, हमारा लड़का बेकसूर हो रहा है। बेकसूर है, झूठे आरोप लगाए हुए हैं। झूठे आरोप लगा रहा है। जिस टाइम ये हादसा हुआ था उस टाइम बच्चे कोई हमारे घर में नहीं था, कोई भी चूंकि बच्चा भी, मतलब घर में कोई भी नहीं था। कोई नहीं, तो कहाँ गए थे सब लोग? काम पे जाने, मजदूरी करते हैं। तो सास भी होंगी और कोई नहीं, सब काम में चले गए। वाल्मीकि जी, हम सब चले गए थे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मंजू। क्या क्या बारात आई? हाँ, किसानों में बारात आई थी। हम तो वहाँ अपना नेक पानी लेने लेके चले गए, लेकिन घर पे कोई भी नहीं थे। बाप बेटा तीनों काम पे गए। अच्छा। अब हम अपने माँ चले गए, कोई भी नहीं थे घर पे, पीछे कर लिया काम। तो लड़के वाले तो तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हमसे जो है ना दहेज की मांग की थी, और बच्ची को पहले भी मार देते थे, पीटते थे। कुछ नहीं है हमारा मांग जात, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं नहीं। कितना टाइम हुआ शादी को? दूसरी साल चल रही है। और बच्चा भी था एक उनका? हाँ, एक लड़का। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक लड़की जिसके सामने एक बच्चा भी है, उसका कलेजे का टुकड़ा भी है, सारा परिवार उसके सामने है, वो आखिर क्यों खुद ही फांसी के फंदे पर जाकर लटक जाएगी? ऐसा क्यों? दिमाग में हुआ उसके में कोई पता नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं घर में, कोई कलेश नहीं। तो आपका कहना है कि लड़का अपनी बहन के यहाँ पे गया हुआ था, वहाँ को मना कर दी। हाँ, वहाँ मत जाओ। आप कौन है लड़के की? दादी हैं जी। क्या नाम है आपका? आशा जी। क्या कहना चाह रही हैं कि लड़का निर्दोष है? हमारा लड़का निर्दोष है और बिल्कुल कुछ भी नहीं, खाने पीने का भी उसमें ऐप नहीं है, कुछ भी। तो तमाम जो घर वाले हैं उनके तमाम घर वाले खुले खड़े होकर कहते हैं कि हमारे दहेज की वजह से बच्ची को पहले मारा गया, पीटा गया है। नहीं मांगा जी, नहीं मांगा। आप कौन है? मैं पड़ोसी हूँ। देखिए, ये वो जो लड़का है जो जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, लड़की के ऊपर आरोप लगाए गए थे, वो लड़के के तमाम लड़के की तरफ के जो गांव वाले हैं, पड़ोसी भी आए हुए हैं, उनकी चाची, दादी और चाची और चाचा, बड़े चाचा भी यहाँ पर मौजूद हैं और पड़ोसी भी मौजूद हैं। आखिर पड़ोसी क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। क्या कहना चाहेंगी कि वो जो लड़का है उसके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए? अरे गलत है सर, नहीं कोई गाड़ी मांगी नहीं कुछ भी। अच्छा। और अभी 28 तारीख में इतना अच्छा जन्मदिन कराया उन्होंने अपने पोते का, बहुत अच्छा। और कोई लड़ाई ना झगड़ा, हम तो बिल्कुल पास के ही हैं। बिल्कुल पास के? बिल्कुल पास के। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा? बिल्कुल भी ना। अच्छा, तो फिर क्या वजह हो सकती है कि वो लड़की जो है फिर फांसी के फंदे पर अपना आप लटक जाएगी? सर घर में उस टाइम कोई भी नहीं था, नहीं अब तो उसका मन ही जाने उसने क्या करा है। जो रिपोर्ट आई है, PM रिपोर्ट आई है, उसमें भी कह रहे हैं कि मारपीट हुई है उसके साथ। सर कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है। आप भी पड़ोसी हैं? हम भी पड़ोसी हैं। आपका बबीता, क्या कहना चाहेंगी कि लड़का जो है उसका कोई कसूर नहीं है? कोई कसूर नहीं है, तीनों बाप बेटा सवेरे ही काम पे चले गए और सास चली गई अपने शादी में। कभी मारपीट कभी सुना? कुछ नहीं हुआ, नहीं लगी मारपीट कभी भी, कुछ नहीं। आप भी पड़ोसी हैं? हाँ, मैं पड़ोसी ससी। तो आप भी यही कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है, सामने ही नहीं कभी दहेज मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। आप भी एक माँ है, थोड़ा पीछे हो जाए सहयोगी, आप भी एक माँ है, आपके सामने बच्चे होंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कोई माँ अपने कलेजे को टुकड़े को छोड़कर
फांसी के फंदे पर लटक सकती है। आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी, वो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। कुछ भी वजह ना सर, कुछ भी ना है। अब क्या चाहते हैं, अब क्यों आए यहाँ पर ऐसे? हम तो इंसाफ चाहते हैं जी, हमारे बच्चे, हम इंसाफ चाहते हैं। बेगुनाह इंसान फंसा, माता माता जी आप भी पड़ोसी हैं? मैं तो खास पड़ोसन है, मैंने खुद देखी है। बिल्कुल खास पड़ोसन, क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है। क्या आपने बच्चा निकाला? बच्चा मैंने निकाला। क्या माजरा था, आपने देखा होगा अपनी आंखों से, क्या पूरा बात थी ये बताएं? पहले मैं अपनी छत पे गई, बच्चा रो रहा था सवेरा, बच्चा रो रहा था, मैं अपनी छत पे गई, छत मुझे नहीं दिखाई दी। फिर मैं नीचे आई, एक सीढ़ी चढ़ी हूँ, बच्चा मुझे कमरे में रोता दिखाई दिया। मैंने विंडो में देखो, विंडो में लचकती देखी, जब मैंने रोल मचाई किवाड़ तोड़वाई दो बच्चे ने किवाड़ तोड़ कर जब मैंने बच्चा उठाया। एक और आरोप था कि जिस वक्त हम पहुंचे हैं तो बच्ची को फंदे पर से भी उतार लिया, किसने उतारा था उसको? पुलिस वालों ने उतारा। जब आप अंदर गई थी आपने अपनी आंखों से देखा? खुद देखो, मैंने खुद मैं ही वाली हूँ, दो बच्चे अच्छे छोटे जिन्होंने किवाड़। घर में कोई भी मौजूद नहीं? कोई नहीं, उनके घर में बिल्कुल घर से घर मिला हुआ है, पता है घर से घर मिला और बाहर का गेट लग रहा है आमने सामने बाहर का गेट खुल रहा, भीतर की कुंडी लग रही है। तो आप अगर आमने सामने कभी ये तो देखती होंगी लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है? कुछ नहीं हुआ। देख सकते हैं ये पड़ोसी हैं, इनके घर का जो दरवाजा है, लड़के के घर का दरवाजा बिल्कुल इनके घर के सामने है। इनका खुद का कहना है, ये चश्मदीद गवाह है, कि कभी इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ है। और जब इस बच्चे के रोने की आवाज आई है तो ये वहाँ पर पहुंची हैं। पहले छत पर जाकर इन्होंने देखा, कोई नजर नहीं आया, उस वक्त ही घर में कोई मौजूद नहीं था, इन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। हालांकि पिछली वीडियो में देखा जाए तो तमाम उसमें गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। जब इन्होंने देखा कि बच्चा रो रहा है, जब अंदर आई है, तब बच्चों को आपने रोते हुए देखा, फिर किसको बुलाया था? मैंने रोल मचाई, दो बच्चे जा रहे हैं साइकिल पर काम करने, सर आ रहे हैं, उन बालकन पर मैंने हल्ला मचाया, वो बच्चे पर मैंने किवाड़ तोड़ दिया गेट, तो उन बालकन ने दोनों ने लात मार मार के गेट तोड़ा है। अच्छा, बच्चों को ले लिया। अब बच्चा कहाँ है? बच्चा घर है। कहाँ है बच्चा? घर है, उन घर पर ही है। अब क्या चाहती हैं? अब क्या चाहती हैं? चाहते हैं हमारे बच्चे वापस आ जाएं। एसएसपी साहब से ये गुहार लगाने आई हैं। हाँ जी, बच्चा तो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समय सिंह है जी। वो घर पर कोई नहीं था, जो सुबह वो 5:30 बजे काम पर चले जाते हैं सारे लोग। इधर आ जाएं समय सिंह, एक बात बताइए, ये भी चश्मदीद गवाह है, ये भी कह रही हैं, लेकिन वो तमाम आरोप जो है लड़की वाले लगा रहे हैं कि मारा पीटा जाता था, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, तो अब फिलहाल जो यहाँ आए हैं तो उसकी वजह क्या है? हम यहाँ आए हैं कि पुलिस गाँव जाकर तहकीकात करे कि किसने मारा है, किसने नहीं मारा। सारे बंदे निर्दोष हैं। अच्छा। ना ही उनके घर पर कोई था, पड़ोसियों ने ही उनके किवाड़ तोड़ी है, उनको पड़ोसियों ने ही देखा है मरे नहीं मरा है। हम इस यहाँ इसमें लिए आए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम सारे लोग दोषी हैं। आपके नज़दीक क्या वजह होनी चाहिए? कोई तो कभी झगड़ा हुआ होगा, कोई लड़ाई हुई होगी? उनका कोई झगड़ा नहीं होता, वो अपने बस रिश्तेदारों से बात करते हैं, उनसे उसकी माँ से बात हुई है, उसके जीजा से बात हुई है, उसके बाद तो कहना है कि मेरी एक दिन पहले बात हुई थी, खुश थी, कोई दिक्कत नहीं थी, अगले दिन ही अचानक फ़ोन करके, बल्कि लड़के ने भी नहीं, किसी और ने जो है पड़ोसी को फ़ोन किया था, उनके खुद के घर पर भी नहीं किया, पड़ोसी को फ़ोन किया, ये कहा है कि आपकी बच्ची जो है ऐसे से ख़त्म हो चुकी है। नहीं, पड़ोसी कोई नहीं, पड़ोसी ने किसी ने नहीं किया ये फ़ोन, केवल उन्होंने ही पता था, उसकी माँ से भी बात उसने ही की थी, माँ ने लड़की ने, और जीजा से ही लड़की ने बात की थी जो मरी थी, उसके बाद मर गई थी वो, और पुलिस ने जा करके उन्हें उतारा है जी। पुलिस ने उसको उतारा है, गांव के ने किसी ने कोई हाथ नहीं लगाया, तब तक पुलिस नहीं पहुंची हुई थी। अब क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये खबर हमने 3 दिन पहले चलाई थी, आज जो है दूसरे पक्ष की भी यहाँ पर हमने आपको बातें आप तक पहुँचाई हैं। ये तमाम लोग हैं जो पड़ोसी भी हैं और जो चाची भी हैं, तमाम लोग, और ये माता जी जो हैं ये चश्मदीद गवाह हैं, इन्होंने कहा है कि इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था, अब यहाँ पर जो आए हैं वो इंसाफ की गुहार लगाने के लिए आए हैं।